नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। आज मैं आप सभी को कटिंग के मशीन के बारे में कुछ बताऊंगा। आप लोग देख सकते हैं कि मेरे सामने कटिंग मशीन है, ये कैसे चलाई जाती है। आप लोग फ्रेंड देख सकते हैं कि इस मशीन में, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 1 2 3 4, ये 4 बुश लगे हैं, इन्हीं की मदद से ये कटर चलता है। और सबसे पहले मैं ये आप लोग को बताना चाहूँगा कि ये जो बटन है, मेन चीज़ ये बटन होती है, बिल्कुल अंगूठे के साथ लगी होती है ये। और जैसे ही इसको ऊपर करोगे मशीन चल जाती है। इसका काम केवल चालू और बंद करना है। और दूसरा, ये जो आगे दाब लगा हुआ है, इसके ऊपर एक बटन है, ये दाब है। आपको जितना जितनी मोटी लेयर हो उसी हिसाब से दाबे सेट करते हैं। और इसके बगल में ये क्लच होता है, इसको दबाओ तो अपने आप फ्री होता है। जहाँ कपड़ा आपका लेयर लगी हो वहाँ तक ले जाके रोक दो। और इसके बाद इसको जितना चाहिए उतने पे ही सेट करके आप, ताकि कपड़ा हिले ना, कटिंग करते रहो। और यह इसके बाद होता है, इसमें धार कैसे लगता है। फ्रेंड, धार लगाने के लिए इसमें देख लीजिए, ये बेल्ट लगी हुई है जो कि रेगमार्क से बना हुआ ये बेल्ट होता है। और ये दोनों साइड में बेल्ट लगा हुआ है, एक इस साइड में लगा हुआ है, एक इस साइड में लगा हुआ है। दोनों तरफ से ब्लेड को ये आपस में रगड़ते हैं और इसी वजह से ये धार ब्लेड में लग जाती है। और मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, ये एक प्रेस बटन है जो धार लगाने वाली बटन होती है, ये ऊपर लगा हुआ है। और इसी के साथ ये क्लच वाली है जो कपड़े को रोकती है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, मशीन चालू करता हूँ। आप लोग देख सकते हैं मशीन चालू होती ही कुछ प्रॉब्लम है सर। बंद हो गई। अब इसको जैसे ही चालू करेंगे और इस बटन को प्रेस करेंगे, ये धार लगाना शुरू कर देगी। जितनी बार प्रेस करेंगे उतनी बार ही धार लगाएगा ये। अभी जितनी बार प्रेस करेंगे उतनी बार ही धार लगाएगा। और बाकी सावधानी के लिए, इसके सामने जो दाब है ये स्केल लगा हुआ है ताकि हाथ इसके अंदर ना जाए कटर के साथ, इसीलिए ये लगा हुआ है। और ये दो काम करता है, एक हमारी सुरक्षा भी करता है और दूसरे कपड़े का दाब को बराबर रखता है। और फ्रेंड, अगर किसी कारणवश आपका कटर चल रहा है, अचानक आप धार को जो है लेयर के बीच में लगा दिए और ये आके आपका पार्ट अगर यहाँ पे फंस गया, अगर ये उठ नहीं रहा है, जैसे वहाँ पे मशीन तो चलेगी नहीं, कि सबसे पहले ये पार्ट आपका नीचे जाएगा, इसके बाद ही ऊपर जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये सबसे पहले नीचे जाएगा फिर ऊपर आएगा। अगर नीचे लेयर लगी पड़ी है तो नीचे जा ही नहीं सकता। इसके लिए एक और सिस्टम इसमें बना हुआ है, ये बैक साइड देख रहे हैं जो बटन लगी हुई है, इसकी मदद से हम इसको धीरे धीरे, यहाँ से बटन है इसको प्रेस करेंगे और ये ऊपर अपने आप जा सकता है और इससे आगे पीछे ब्लेड को कर सकते हैं। फ्रेंड, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और मैं ऐसे ही वीडियो लेके आता रहूँगा। चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस करके, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। फ्रेंड, और ये कटर चलाना तो बहुत आसान होता है, कटिंग कोई भी 5-6 महीने में कटिंग करके अच्छा पैसा भी कमा सकता है, ऐसी बात नहीं है। कितने भाई लोग आते हैं मेरे पास कटिंग सीखने के लिए, मैं बहुत से लोगों को काम पे लगाया हूँ, ऐसी बात नहीं है, काम अपना कर रहे हैं। 2, 4, 6, 8 महीने जैसा जिसका दिमाग रहे उसी हिसाब से कटिंग सीखते हैं और काम करते रहते हैं। और आजकल तो ऐसा ही है कि हर कंपनी में लगभग काम थोड़ा कम है, इसकी वजह से काफ़ी लोग
घूम रहे हैं, मेरे पास भी काम कम है, थोड़ा कम है, ऐसी बात नहीं है, फिर भी ₹1,000 की दिहाड़ी तो बनी जाती है। और इसमें फ्रेंड मैं ये कह रहा हूँ, जैसे नए बंदा कोई सीखना चाहता है, आते हैं गांव से, आते हैं या शहर से, कहीं से भी बिलोंग करते हैं और काम करने के लिए आते हैं हौजरी लाइन में, तो सबसे पहले उनको ये देख लेना चाहिए कि कौन सा काम करने में उनको ज़्यादा फ़ायदा है। पहले 2-4 दिन आके घूमें, देखें मार्केट में, शहर में कि हौजरी में, कि कहाँ क्या ऐसा काम सीखें कि अच्छा पैसा मिले। तो सबसे पहले आते ही ये नहीं कि किसी भी काम पे लग जाओ और काम करने लग जाओ, बाद में फिर पता चले कि ये नहीं किए होते वो करते, फिर अपना टाइम खराब हो जाता है। तो मेरे कहने का मतलब फ्रेंड, कोई बंदा गांव से चल के आए तो वो सबसे पहले आके 1-2 दिन 4 दिन अपना रेस्ट करे और घूमे देखे, ताकि कौन सा काम उसको अच्छा लगता है। जो काम उसको अच्छा लगे, जिसमें अच्छा पैसा रहे और मेहनत भी कम रहे या मेहनत ज़्यादा रहे, उसी हिसाब से अपने सेटिंग करे, ताकि बाद में उसको पछताना ना पड़े। फ्रेंड, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सबों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। फ्रेंड, ऐसी वीडियो लेके मैं आता रहूँगा। थैंक यू फ्रेंड।